हे वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका बिंदास फन जोन में। मैं हूं आपका दोस्त और वापस आ चुका हूं मैं एक और नहीं दो खतरनाक एप्लीकेशन के साथ। जी हां, दो खतरनाक एप्लीकेशन। आप अगर फ़ोन में ब्राउजिंग करते होंगे यानी कुछ भी चीज़ें सर्च करते होंगे तो या तो आप गूगल से सर्च कर लेते होंगे या फिर यूट्यूब से या फिर क्रोम ब्राउज़र से। ये तीनों मतलब कि एक ही कंपनी के है, इसे मतलब मैंने अलग अलग बता दिया। तो आप इन्हीं में से किसी का यूज़ करते होंगे, लेकिन आज मैं आपको दो ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मतलब इनसे भी खतरनाक है, और वो भी मात्र 1 MB के अंदर। जी हाँ, मात्र 1 MB के अंदर। दो एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बताता हूँ। डॉल्फिन ब्राउज़र और एक है भाया ब्राउज़र। जी हाँ, दोनों का लोगो आप देख सकते हैं, डॉल्फिन और भाया। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होगा डॉल्फिन ब्राउज़र एंड भाया ब्राउज़र। मैं आपको दोनों सर्च करके दिखाता हूँ। डॉल्फिन ब्राउज़र जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, मैंने डॉल्फिन सर्च किया फिर भी आ गया, देख सकते हैं। उसके बाद आपको सर्च करना होगा भाया ब्राउज़र, तो भाया ब्राउज़र भी सर्च करेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। काफ़ी पॉपुलर ऐप्स हैं दोनों, देख सकते हैं। इसका भी मतलब कि 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, और उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है। उसका देखिए 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स। तो इन दोनों को आपको पहले डाउनलोड कर लेना होगा, डॉल्फिन और भाया का, दोनों का लाइट वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना होगा। देख सकते हैं मैंने दोनों डाउनलोड कर लिया है। तो मैं सबसे पहले आपको डॉल्फिन ब्राउज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। डॉल्फिन में देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, और कुछ यहाँ पे मतलब बहुत ही सिंपल, मतलब 1 MB के अंदर एप्लीकेशन, इसलिए बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। आपको जो भी सर्च करना होगा इस टैब में सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे यूट्यूब सर्च करना है तो मैं सर्च कर लूँगा, देख सकते हैं DuckDuckGo में ये रिडायरेक्ट करके सर्च करने लग जाएगा। YouTube सर्च करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं YouTube का रिजल्ट आ गया। मुझे यहाँ से चाहूँ तो मैं YouTube पे जा सकता हूँ। मतलब ये देखिए थोड़ा सा पुराना वर्जन में शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें इसी टाइप से शो करती है जैसे YouTube मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे जो भी चाहें आप, जो चाहें वो सर्च करें। यहाँ पे Google भी आपको मैं सर्च करके दिखा देता हूँ, ये Google पे भी ले जाएगा। देखिए Google पे भी आ गए, आप इसमें से जाके Google से भी जाके सर्च कर सकते हैं। ये पुराने फ़ोन वाला स्टाइल मैंने आपको बता दिया। तो इसमें बस यही है कि आप सिंपल सर्च कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको करना है आप कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, नया विंडो करना है, सबसे प्राइवेट भी इसमें आप कर सकते हैं। मतलब कि आप जो भी सर्च करेंगे वो आपके क्या कहते हैं, मतलब कि आपके सर्च रिजल्ट्स में नहीं रहेगा, वो आप मतलब कि हट जाएगा वहाँ से। प्राइवेटली आप यहाँ बहुत सारी सर्च कर सकते हैं, और जो ब्लॉक्ड चीज़ें हैं उसे भी इसमें आप देख सकते हैं। बहुत ही ये खास फीचर है यहाँ, इसलिए इस एप्लीकेशन को मैंने सोचा कि चलो आपको भी बता देता हूँ। और दूसरा एप्लीकेशन है भाया ब्राउज़र। तो भाया ब्राउज़र भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसका भी एकदम सिंपल ईजी टू यूज़ इंटरफेस है, इसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑप्शंस आपको यूज़ करना था। इनकॉग्निटो मोड में जाके प्राइवेट सर्च भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए इसमें होम पेज, यहाँ पे आपको गूगल सर्च करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी आपको सर्च करना होगा इसमें डालना, उसमें देख सकते हैं सर्च रिजल्ट में आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ भी सर्च वगैरह कर सकते हैं। और इसमें आपको और भी सेटिंग्स है, मैं दिखा देता हूँ। नाइट मोड है, बुक मार्क्स है, सब क्रोम की तरह सेटिंग्स है। इसमें हिस्ट्री, डाउनलोड्स, इनकॉग्निटो मोड में जाकर आप प्राइवेट सर्च कर सकते हैं, या फिर डेस्कटॉप साइट में आप कर सकते हैं। जैसा मैंने देखिए डेस्कटॉप साइट कर दिया, तो मैं यूट्यूब में जाता हूँ और सर्च करता हूँ तो देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट में खुल रहा है। देख सकते हैं ये भी काफ़ी सिंपल एंड ईजी टू यूज़ हो सकता है। तो मुझे तो ये क्रोम से बढ़िया डेस्कटॉप फीचर लगा कि एक बार कर देंगे सारी चीज़ें डेस्कटॉप मोड में होगी। अगर आपको भी पसंद तो आप भी जाके इस एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी मतलब कि यूजफुल एप्लीकेशन है, मात्र 1 MB के अंदर। इसलिए मैंने सोचा कि चलो 1 MB के अंदर वाले ब्राउजर्स भी कुछ आपको बता दिया जाए। अगर आपको वीडियो और एप्लीकेशन दोनों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस ला रहे हैं, डेली के 2 से 3 वीडियोस ला रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो उससे आपका ही फायदा होगा और हमें कुछ सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तब तक के लिए थैंक यू।